हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्रोमेटोग्राफी, पोलैरोग्राफी, स्पेक्ट्रोमेट्री, इनके कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड है। आपकी अपकमिंग टीएनएमआरबी, आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड? इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड? तो हमने ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बारे में क्या क्या देखा था, क्या होता है ये? तो एक तो इसका पोलैरोग्राफी में यूज़ करते हैं, ये पोलराइजेबल होता है। देन इसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है ना, इसका सरफेस एरिया कम होता है, सो ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है। और क्या देखा था? तो ये एक्ट करता है एज ए कैथोड। देन हमने कौन से इलेक्ट्रोड के बारे में देखा था जो एक्ट करता है एज एन एनोड? तो ये हमने मर्क्यूरी पूल के बारे में देखा था ना, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ये एक्ट करता है एज एन एनोड। इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। देन ये नॉन पोलराइजेबल होता है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। ये सब हमने देखा था ना मर्क्यूरी पूल के बारे में। तो यहाँ पे पूछा है डीएमई के बारे में, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड के बारे में। तो क्या ऑप्शंस में दिया है? तो डीएमई इज पोलराइजेबल, ये करेक्ट है। डीएमई इज माइक्रो इलेक्ट्रोड, तो इसका स्मॉल सरफेस एरिया होता है, ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है, ये भी करेक्ट है। देन डीएमई एक्ट एज ए कैथोड, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पोलैरोग्राफी टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? NaCl, KCl, NaOH और KOH किसका यूज करते हैं पोलैरोग्राफी में टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट? ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या यूज करेंगे? तो पोलैरोग्राफी में माइग्रेशन करंट को सप्रेस कराने के लिए, एलिमिनेट कराने के लिए यूज करते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्या होता है ये? तो पोटेशियम क्लोराइड, KCl, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। KCl इज यूज टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट इन पोलैरोग्राफी, ये होता है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स टू फाइंड आउट एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास, अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नन ऑफ दी अबव। मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स टू फाइंड आउट किसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रम का? तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना किस लिए यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। तो मॉलिकुलर मास के डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है इसमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री में? तो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं ना, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, किस लिए? टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, केमिकल आयनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करके उस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मैं आपको बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपके कवर करता हूँ। ठीक है, देन अनसैचुरेशन के लिए किसका यूज करते हैं? हमने देखा था ना अनसैचुरेशन क्या होता है, तो डबल बॉन्ड। एंड डबल बॉन्ड को डिटरमाइन करने के लिए, अनसैचुरेशन को डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो यूवी का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लिमिटिंग करंट, डिफ्यूजन करंट, नन ऑफ दी अबव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पूछा है, किस पे बेस रहता है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस? तो देखो पोलैरोग्राफी में एक तो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने पोलैरोग्राफी का ग्राफ देखा था ना, पोलैरोग्राम कैसे रहता है, तो यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है, ये ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है ना, ये रहता है आपका रेसिडुअल करंट, देन ये रहता है आपका डिफ्यूजन करंट, एंड ये रहता है लिमिटिंग करंट। एंड इनमें से क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस होता है ऑन डिफ्यूजन करंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन दिस डिफ्यूजन करंट। एंड जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है इट इज बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस रहता है, तो इट इज बेस्ड अपॉन हाफ वेव पोटेंशियल। ये बेस्ड ऑन रहता है हाफ वेव पोटेंशियल पे। क्या होता है ये हाफ वेव पोटेंशियल, तो इस डिफ्यूजन करंट का जो हाफ होता है ये होता है हाफ वेव पोटेंशियल। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन हाफ वेव पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस बाय पोलैरोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन करंट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिमूवल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट आयन, मेटास्टेबल आयन, मॉलिकुलर आयन, रीअरेंजमेंट आयन। रिमूवल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल, इसका फॉर्मेशन होता है अगर हम मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं क्या होता है, तो इसे मॉलिकुलर आयन बोलते हैं ना, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या बोलते हैं इसे, तो पैरेंट आयन भी बोला जाता है इसे, पैरेंट आयन, मॉलिकुलर आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिटेक्टर इन आई आर, किसका यूज करते हैं एज ए डिटेक्टर इन आई आर, फोटो मल्टीप्लायर, गोले सेल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यूज्ड एज डिटेक्टर इन आई आर। तो आई आर के डिटेक्टर्स कौन से हैं, तो इसमें बोलोमीटर आता है, देन गोले सेल आता है, देन थर्मोकपल आता है, इनका यूज करते हैं एज ए डिटेक्टर इन आई आर। ऑप्शंस में हमें क्या दिया है, तो फोटो मल्टीप्लायर, गोले सेल, तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। गोले सेल, बोलोमीटर एंड थर्मोकपल का यूज करेंगे एज ए डिटेक्टर इन आई आर। क्या होता है ये गोले सेल, तो ये फोटो एकॉस्टिक डिटेक्टर होता है ना, फोटो एकॉस्टिक डिटेक्टर होता है ये गैस फील्ड चैम्बर होता है विथ ए सेमी ट्रांसपेरेंट फिल्म दैट एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एंड हिट्स द गैस। इसमें एक सेमी ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है जो एब्जॉर्ब करती है आईआर रेडिएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलैरोग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग करंट वर्सेस वॉल्यूम, करंट वर्सेस पोटेंशियल, रेजिस्टेंस वर्सेस टाइम, पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम। क्या होता है पोलैरोग्राम, तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, इसमें यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है, या ऐसे ग्राफ देखा था ना हमने, ये होता है रेसिडुअल करंट, देन ये होता है डिफ्यूजन करंट, ये होता है लिमिटिंग करंट। ये डिफ्यूजन करंट का हाफ हमने क्या देखा था, तो हाफ वेव पोटेंशियल, ई हाफ होता है ना, ये हमने देखा था ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ई हाफ, हाफ वेव पोटेंशियल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोलैरोग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रो रिड्यूसिबल सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग करंट वर्सेस पोटेंशियल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड इन एनएमआर इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। कौन से सॉल्वेंट का यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉल्वेंट कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं ना, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनएमआर में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। देन हमने एनएमआर पे और कौन सा क्वेश्चन देखा था, कौन से रेफरेंस कंपाउंड का यूज करते हैं इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, रेफरेंस कंपाउंड यूज्ड इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो टीएमएस होता है ना, क्या होता है टीएमएस, टेट्रामिथाइल सिलेन, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विथ, तो बहुत बार अभी हमने ये डिस्कस किया क्या होता है मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, तो इसमें मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बार्डिंग द सैंपल विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, किस लिए, टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, नन ऑफ द अबव, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विथ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड म्यूलिंग एजेंट इन आई आर, CHCl3, न्यूज़ॉल, हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑयल, मोस्ट कॉमनली यूज म्यूलिंग एजेंट इन IR। क्या होगा? तो ये न्यूज़ॉल होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है न्यूज़ॉल? तो ये मिनरल ऑयल होता है ना, मिनरल ऑयल होता है न्यूज़ॉल। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूज़ॉल इज मिनरल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज, नेचर ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज। हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑफ, तो क्या देखा हमने? हाफ वेव पोटेंशियल ई हाफ होता है ना, हमने पोलैरोग्राफी का ग्राफ देखा था ना, यहाँ पे करंट होता है, यहाँ पे पोटेंशियल होता है, ये यहाँ पे रेसिडुअल करंट होता है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट होता है, यहाँ पे लिमिटिंग करंट होता है। एंड डिफ्यूजन करंट के हाफ पे होता है ना आपका ये ई हाफ, हाफ वेव पोटेंशियल, इसलिए यूज होता है ये तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। एंड इट इज़ डिपेंडेंट ऑफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज, इस पे डिपेंडेंट होता है क्या ये? तो नहीं होता। नेचर ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट पे भी नहीं होगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पे भी नहीं होता, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज पे डिपेंड होता है हाफ वेव पोटेंशियल। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इनर्ट गैस यूज्ड इन द आयनाइजेशन स्टेज ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज हीलियम, आर्गन, जेनॉन और मीथेन। कौन से इनर्ट गैस का यूज करते हैं आयनाइजेशन स्टेज में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। इसमें मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं, मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं। एंड इस केमिकल आयनाइजेशन के लिए यूज करते हैं मीथेन का। कौन से ऑप्शन में है मीथेन? तो हीलियम, आर्गन, जेनॉन, मीथेन। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्वेंट नॉट यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, किसका यूज नहीं करते एज ए सॉल्वेंट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी? क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और वाटर। नॉट यूज्ड इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उसका यूज नहीं करते ना IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पीक दे देते हैं। तो वाटर क्या होता है? H2O, इसमें हाइड्रोजन होता है ना। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोलैरोग्राफी इज ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पूल, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, रोटेटिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा देखा था हमने? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो मर्क्यूरी पूल होता है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और कौन सा देखा था हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड? तो सैचुरेटेड कैलमल इलेक्ट्रोड भी आता है ना रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स में। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी, मर्क्यूरी पूल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने मर्क्यूरी पूल के बारे में? तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, देन ये नॉन पोलराइजेबल होता है ना, देन ये एक्ट करता है एज एन एनोड। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है मर्क्यूरी पूल के। ठीक है, ये होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड इन पोलैरोग्राफी। देन दूसरा कौन सा इलेक्ट्रोड होता है पोलैरोग्राफी में? तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। ये कौन सा होता है? तो ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड होता है ना इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इसके बारे में हमने क्या देखा था? तो इसका सरफेस एरिया कम होता है, देन ये एक्ट करता है एज ए कैथोड, ये पोलराइजेबल होता है एंड ये माइक्रो इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर इज डिजाइन टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस? टू वेपराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वोलेटिलिटी, टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल कंपाउंड्स इन द वेपर फेज, टू सेपरेट आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास ओवर चेंज रेशियो एंड टू रिकॉर्ड देम, और ऑल ऑफ द अबव। क्या होते हैं फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर? तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमने देखा था ना मॉलिक्यूल को गैसियस फेज में कन्वर्ट करते हैं। सो टू वेपराइज कंपाउंड्स ऑफ वेरिंग वोलेटिलिटी, ये इसका फंक्शन होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर का। देन टू प्रोड्यूस आयंस फ्रॉम द न्यूट्रल कंपाउंड्स इन द वेपर फेज, तो मॉलिक्यूल को आयनाइज करते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं टू प्रोड्यूस पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, केमिकल आयनाइजेशन होता है ना इसमें। सो ये भी हो जाएगा फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। Then to separate ions according to their mass overcharge ratio and to record them, ये भी होता है फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये सभी होते हैं फंक्शंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, Supporting electrolyte is used in polarography to suppress diffusion current, migration current, convection current, limiting current. किस लिए यूज करते हैं सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का इन पोलैरोग्राफी। तो ऐसा ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन एक देखा था, कौन सा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट देखा था हमने, तो पोटेशियम क्लोराइड देखा था ना। इसका यूज करते हैं एज ए सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट। किस लिए इसका यूज करते हैं, तो माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करने के लिए, माइग्रेशन करंट को सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं ना इन पोलैरोग्राफी। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन पोलैरोग्राफी टू सप्रेस टू एलिमिनेट माइग्रेशन करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन IR इन्वॉल्व द यूज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, नन ऑफ द अबव। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन IR किसका यूज होता है इसमें, तो होती क्या है ये प्रेस्ड पैलेट टेक्निक, तो इसमें पाउडर सैंपल के स्मॉल अमाउंट को मिक्स कर देते हैं विद ए पाउडर्ड अल्कली हैलाइड, देन इसे प्रेस करते हैं इनटू पैलेट यूजिंग पैलेट डाई एंड प्लेस करते हैं इनटू पैलेट होल्डर। एंड कौन सा होता है मोस्ट कॉमनली यूज अल्कली हैलाइड, तो ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं इसके लिए, कौन से ऑप्शन में है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक फॉर सैंपल प्रिपरेशन इन IR इन्वॉल्व द यूज ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। इसमें पाउडर सैंपल को मिक्स कर दिया जाता है विद ए पाउडर्ड पोटेशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पोलैरोग्राफी एपरेटस डैश इज जनरेटेड। पोलैरोग्राम, पोलैरोग्राफ, पोलैरोमीटर, पोलैरोस्कोप क्या जनरेट होता है इन पोलैरोग्राफी एपरेटस। तो इसमें दो टर्म्स आपकी इंपॉर्टेंट है, एक होता है पोलैरोग्राम। पोलैरोग्राम क्या होता है, तो जो ग्राफ प्लॉट होता है उसे बोला जाता है पोलैरोग्राम। एंड पोलैरोग्राफी में जो एपरेटस यूज करते हैं उसे बोला जाता है पोलैरोग्राफ। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो पोलैरोग्राफी एपरेटस पोलैरोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एपरेटस होता है पोलैरोग्राफ एंड जो ग्राफ प्लॉट करते हैं उसे बोला जाता है पोलैरोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, rotation of electrons about the protons generated a secondary magnetic field which opposes the applied magnetic field the proton is said to be। तो जो प्रोटॉन्स के बाजू में रोटेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। एंड अगर हम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो उसे अपोज करता है। तो क्या बोलते हैं ऐसे प्रोटॉन को, अगर सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस दी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड The proton is said to be, तो इसे बोला जाता है shielded। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। The proton is said to be shielded। एंड अगर ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड reinforce करता है applied magnetic field को, तो उस प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, then the proton is said to be, तो उसे बोलेंगे de-shielded। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पोलैरोग्राफी हाफ वेव पोटेंशियल इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ कंपाउंड, क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हाफ वेव पोटेंशियल क्या देखा था हमने, ई हाफ किसके लिए यूज करते हैं, तो इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है ना। सो हाफ वेव पोटेंशियल इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज बेस पीक, मेटास्टेबल आयन पीक, फ्रेगमेंट आयन पीक, रीअरेंजमेंट आयन पीक। मोस्ट इंटेंस पीक क्या होता है, तो किसकी होती है 100% इंटेंसिटी। मोस्ट इंटेंस पीक बेस पीक होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इन मास स्पेक्ट्रा द मोस्ट इंटेंस पीक इज बेस पीक, इसकी होती है 100% इंटेंसिटी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।